हाय एवरीवन, वेलकम टू सीजीडी। माय सेल्फ एंड जिंगवी। गाइस, बहुत लोगों को डाउट है कि सर 7-1 खत्म हो गया, हम लोग का 7-1 बहुत गंदा गया, देखो 7-1 के बाद ही ड्रॉप लग जाएगा। कभी भी ड्रॉप इन ऐसा और सेमेस्टर नहीं लगता, आपका पूरा ईयर कम रहा, मतलब इवन सेमेस्टर के बाद में, सेकंड के बाद में समझेगा आपको ड्रॉप है कहीं। तो अभी ना आपको एक चांस और है। सपोज वर्स्ट खेलते आपको 580, ठीक है, किसी को 5 के लिए, ठीक है, आपको किसी को 5 के लिए, तो 580 है, तो उसका 7-2 का 6 सब्जेक्ट, क्योंकि मई जून में एंड में होगा, उसके बाद 7-1 का KT एग्जाम रहेगा, तो एक और अटेम्प्ट है, तो टोटल 6+5 11 सब्जेक्ट्स देने होंगे, 11 में से आपको एटलीस्ट 6 क्लियर करना, ठीक है, 11 में से 6 क्लियर किया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो रूल क्या है, 5 इंटरनल 5 एक्सटर्नल 3 इंटरनल, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना उनको अच्छे से, तो वो हिसाब से आपको आगे जाना है। और अभी जो धक्का लगा है ना भाई, उसको फुल बोलते ना एकदम जोश में पढ़ाई करो, अभी 7-2 में जो 7-1 में मिस्टेक हुआ ना वो रिपीट मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो आपका 7-1 भी निकल जाएगा, 7-2, वैसे बहुत सारे बच्चे जिसमें 10 में से 10 निकाला, 11 में से 11 निकाला है, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है कि भाई नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। हमारे साथ रहो, हम गाइड कर देंगे आपको कैसे क्या करना है। और गाइस, आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो।